चाचू ईद मुबारक, ये सिवैया भिजवाई है बाबा ने आपके लिए। खैर मुबारक, नहीं चाहिए हमें ये सिवैया, जाके दे दे अपने बाप को वापस। क्यों नहीं चाहिए चाचू, ये तो ईद का मौका है और आप अभी तक नाराज है बाबा से। नाराज वराज नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उससे, ये भी जाके उन्हीं को खिला, चल जा शाबाश। ठीक है चाचू। अच्छा चाचू मेरी ईदी। ईदी? वो भी तुझे तेरे बाबा ही देंगे, और आइंदा के बाद अगर वो कुछ भिजवाए ना तो फेंक दी, लेकिन मुझे देने ना ही। चल बेटे, कौन था बाहर जिसके साथ तू इतना गुस्सा कर रहा था? अयान था, आपके छोटे बेटे ने सवैया भिजवाई थी, मैंने वापस भिजवा दी। अयान था तो उसे अंदर तो बुला लेता, तुम दोनों भाइयों की लड़ाई में उस बच्चे का क्या कसूर? कम अज कम वो मुझसे ईद ही ले जाता, मैं उसके ईद के कपड़े देख लेता। बस रहने दे अब्बू, अब तो भेज दिया ना। पता नहीं कब तक नाराजगी रहेगी तुम दोनों भाइयों की, ईद का मौका तो खुशियों का होता है। याद नहीं है सुबह कारी साहब ने क्या कहा था ईद नमाज के बाद? खैर मुबारक जनाब, ये ईद का मौका है, आपने सब रिश्तेदारों को राजी करना है ईद मिलकर। सबको राजी मतलब? मतलब ये कि जिनसे आप खफा हो या जो आपसे खफा हो उनको मना लीजिएगा, अल्लाह बहुत खुश होता है ईद के दिन के इस अमल से। सुना कितना सवाब है इस अमल का, ये दोनों भाई आपस में खफा है पिछले 2 महीने से। गलत बात है, बहुत गलत, बल्कि आपको तो मिठाई लेकर सबसे पहले उनके घर जाना चाहिए, ये ईद का मौका तो रिश्तों को मजबूत करता है। जी खारी साहब सही बात है, चलें अबू। देख भूल जा सब बातें, उसने बेटे को भिजवा के पहल कर तो दी है, अब तू भी नाराजगी खत्म कर दे। अच्छा अबू सही है, फिर क्या करना है अब, चलें? हाँ हाँ चल, पहले मिठाई लेके हसन के घर चलते हैं, उसे ईद की मुबारकबाद दे लेंगे और उसके बाद तेरी अम्मी की कब्र से भी हो लेंगे। ठीक है चलें। अच्छा कोई बात नहीं बेटे, वो चाचू हैं तेरे, गुस्सा कर सकते हैं। मैं जानता हूँ, मगर आज ईद के दिन तो ऐसा ना करते, वो मुझे ईदी भी नहीं दी। बड़े जब गुस्से में होते हैं तो ऐसा कर जाते हैं, देखना जब उन्हें एहसास होगा तो खुद ही आएंगे। ठीक है बाबा, अब आप लोगों की कभी सुलह नहीं होगी क्या? मेरी तरफ से तो सुलह है, इसलिए तो भेजा था तुझे, और उनकी तरफ से भी हो जाएगी, मुझे यकीन है ये ईद खुशियों वाली है, खाली नहीं जाएगी। अरे दादा बू चाचू आप लोग आ जाए, आ जाए अंदर आ जाए। ईद मुबारक। खाली ईद मुबारक नहीं मेरे भाई, ऐसे गले लग के। खैर मुबारक मेरे भाई, खैर मुबारक। ईद मुबारक मेरे बेटे। देखा इतनी सी बात थी और तू ऐसे ही डर रहा था। जी भूल जाए यार सब पुरानी बातें, भाइयों में तू मैं तो होती रहती है। मैं समझ सकता हूँ भाईजन, इसलिए तो मैंने अयान को भेजा था, बस सारी गलती मेरी थी, उस दिन मुझे आपके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी, इसी वजह से बात बढ़ती गई। कोई बात नहीं, तुझे एहसास हो गया यही काफी है, अब नाराजगी वगैरह सब खत्म। शाबाश मेरे बच्चो, छोटी छोटी लड़ाइयों को इतना बढ़ावा नहीं देते कि अनाह का मसला बन जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अबू, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। अब मेरी ईदी। ओ हाँ तुम्हारी ईदी, ये लो चाचू और दादा अबू की तरफ से। अब आ जाए अंदर, सब लोग सवैया खाते हैं। ईद की खुशियां अपनों के बगैर अधूरी हैं, इसलिए कोशिश करें कि आपस की नाराजगियां खत्म करके ये ईद अपने प्यारों के साथ मनाएं। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें।